वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 196 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है बार ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सोल परचेज सेल्स एजेंट्स एटसेट्रा। तो इस सेक्शन में एक तो रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड हो या पाकिस्तान से बाहर, यानी इवन फॉरेन कंपनी की बात हो रही है जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, यूएस में, यूके में, यूरोप में रजिस्टर्ड है, वो भी उसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, विच इज़ कैरिंग ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपॉइंट नहीं कर सकते सोल परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। इट मीन्स के कर सकते हैं लेकिन उन्हें एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत होगी। अच्छा, फिर एक लॉ ने इसकी एक्सेप्शन भी दे दी। एक्सेप्शन ये दी कि ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हो आउटसाइड पाकिस्तान आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द कमीशन फॉर सच अपॉइंटमेंट। ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों का मेंशन किया और नीचे हमने मेंशन कर दिया कि आउटसाइड पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसमें फिर फर्दर बात है अनलेस, यानी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन कि अनलेस कि उसका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस ऑफ सच कंपनी और पर्सन इज कंडक्टेड इन पाकिस्तान। अगर एक कंपनी पाकिस्तान से बाहर है और उसका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर वो उन्हें अप्रूवल ऑफ एससीसीपी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में होता है तो फिर उन्हें अप्रूवल की जरूरत है। और अगर इन रिक्वायरमेंट्स की कंट्रावेंशन होती है तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, जो कि सेक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अब सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, फिर उसकी एक्सेप्शन है, फिर एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। तो इस सारे प्रोसेस को हम एक सिंपल से टेबल में जो है समराइज कर सकते हैं कि कंपनी अगर पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है तो फिर उसका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में होता है या कहीं और होता है, वो तो सोल परचेज सेल एजेंट के लिए उन्हें तो अप्रूवल ऑफ एससीसीपी चाहिए ही चाहिए। अगर कंपनी आउटसाइड पाकिस्तान है और उसका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में है तो देखें फिर पाकिस्तान तो रेलिवेंट हो गया ना, क्योंकि ज्यादा बिजनेस तो वो पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उन्हें भी अप्रूवल चाहिए। एक ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड भी आउटसाइड पाकिस्तान है, उसका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा है, उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस जब उसका पाकिस्तान में नहीं है तो वो एस सच को यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम या अपनी कंपनी का मेन फोकस उनका यहाँ पर नहीं है, तो एससीसीपी लॉ ये समझता है कि उसमें एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। तो ये सिंपल से रूल्स हैं, इनको अब हम एग्जांपल्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो जो हमने टेबल बनाया सिंप्लीफाई करके इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स पर। पहली एग्जाम्पल है कि एबीसी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट। अब ये देखें कि ये कंपनी कंपनी एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड है तो ये रूल अप्लाई होगा। अब मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस इसका कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में है, मिडल ईस्ट में है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी भी जगह पर हो एप्लीकेबल है। तो वो अपॉइंट करना चाहते हैं तो इन्हें एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत होगी। सेकेंड सिनेरियो, एक्स बाय दी इनकॉर्पोरेटेड इज रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द रेलिवेंट लॉ ऑफ यूएसए, आउटसाइड पाकिस्तान रजिस्टर्ड है, एंड इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन थ्री डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। मेजर पोर्शन पाकिस्तान में, तो अब ये अपॉइंट करना चाहते हैं सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट तो इन्हें एससीसीपी का अप्रूवल चाहिए होगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एबीसी इनकॉर्पोरेटेड इज रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द रेलिवेंट लॉ ऑफ यूएसए आउटसाइड पाकिस्तान, कैरिंग ऑन बिजनेस इन 12 डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग सम बिजनेस इन पाकिस्तान, यानी मेजर बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, किसी और जगह। इट इज कंसिडरिंग अपॉइंटिंग अ सोल सेल एजेंट इन पाकिस्तान, तो क्या इन्हें अप्रूवल की जरूरत है? तो जिस तरह हम टेबल में देख रहे हैं कि अगर मेजर कंपनी भी फॉरेन कंपनी है और उसका मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस भी पाकिस्तान में नहीं है तो फिर उन्हें अप्रूवल नहीं चाहिए। सो इट नीड नॉट obtain approval of the commission for the appointment। तो ये सिंपल सा हमारा, यानी इसे समराइज करें टेबल में तो सिंपल रूल बन जाता है, वरना वर्डिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।